गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने भर भर के मैसेजेस किए हैं और मेरा जो आपको इससे पहले अगर मैं अपलोड कर दूंगी तो बेसन चिल्ला भी आप देख लीजिएगा कि आपको किस बेसन का चिल्ला लेना है फॉर वेट लॉस। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मल्टी ग्रेन आटा घर पे कैसे मिलता है। एज यू नो, मार्केट में बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा मिलते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मैं बोलूं तो घर का बना हुआ मल्टीग्रेन आटा से अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है, एक तो हम ओरिजिनल चीज़ें डाल रहे हैं, सेकंड चीज़ हमें किस चीज़ को ज़्यादा रखना है वो चीज़ भी मैटर करती है। मल्टीग्रेन आटा में क्या होता है, वो सारी क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं और अगर हम मल्टीग्रेन ले रहे हैं तो हमारा वेट लॉस भी नहीं हो रहा। लेकिन आज जिस मल्टीग्रेन आटे के बारे में मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी, वो भी मिक्सी में, अगर आप पिसा पिसा है उसका फ्लोर ले आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर मिक्सी में बना रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इसे मिक्सी में ही बनाया है, तो किस तरह से और किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और इसका क्वांटिटी कितनी लेनी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस वेट वाले को और किसको कितना वजन करना है, कम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कितनी रोटियां लेनी है। तो मैं इसी फ्लोर का यूज़ करती हूँ जब भी मेरा रोटी खाने का मन करता है। अगर कोई और डाइट है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेरा रोटी खाने का मन करता है तो मैं इसी आटे की रोटी प्रेफर करती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे न्यू चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने हेयर केयर से रिलेटेड, अपने स्किन से रिलेटेड ब्लॉग्स, मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब मैं बोलूँ तो एवरीथिंग वहाँ पे लेके आती हूँ। ये चैनल सिर्फ मेरा वेट लॉस से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस चैनल पर इन्हीं चीज़ों को लेके आती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए, इस आटे के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए रागी, जो आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी मार्केट में, किसी भी जनरल स्टोर पे। मैंने ये बिग बास्केट से मंगवाया था, और अगर आपके शहर में बिग बास्केट अवेलेबल है तो उसमें ये अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकेंड चीज आपको लेना है ओट्स, जो कि हर जगह अवेलेबल है, और ये अनफ्लेवर्ड ओट्स हैं, यानी फ्लेवर्ड वाले मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम रोटी खाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई सब्जी ऐसी चीज खाते हैं, तो अगर आप फ्लेवर्ड वाले ओट्स लेंगे तो रोटी का मजा चला जाएगा। थर्ड चीज आपको लेनी है गेहूं, जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप बिग बास्केट से इसे मंगवा सकते हैं। और फोर्थ चीज आपको चाहिए सोयाबीन, बहुत ही लेस क्वांटिटी में चाहिए। अभी मैं सारी क्वांटिटी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कितनी कितनी क्वांटिटी में आप इसे बनाएंगे। और जो पांचवी चीज चाहिए वो चाहिए हमें अलसी के बीज। जी हाँ, ये आटा बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो, पौष्टिक है और बहुत ही ज़्यादा फाइबरस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके वेट लॉस के लिए। हमारे सिक्स चीज़ होने वाली है सत्तू, आई थिंक सबके घर में अवेलेबल होगा, आई डोंट नो सत्तू को क्या बोलते हैं, और देखूंगी अगर किसी और लैंग्वेज में होगा तो मैं डाल दूंगी। तो दिस इज़ द सत्तू, जो मतलब पूरा प्योर फाइबरस ही होता है। एंड अदर चीज़ हमें चाहिए वो है चने, इन सारी चीज़ों को आपको लेना है। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं आटा। तो फटाफट हम लेंगे यहाँ पे लगभग एक कटोरी से डेढ़ कटोरी तक हम लेंगे यहाँ पे चने, जो कि हमें पीस लेना है। तो ये हमारा जो है वो चने का आटा रेडी है, और इसी में मैंने अलसी के बीज डाल दिए थे। और आपको चने जो है उसका छिलका भी लेना है, उसका छिलका नहीं उतारना है। तो अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, किसी भी कंटेनर में जिसमें आप रखने वाले हैं अपना आटा, उसी में आप सारी चीज़ों को डाल दीजिए। तो फर्स्ट मैंने अभी डाला है चने का आटा। सेकेंड चीज़ मैं डालूंगी सोयाबीन, जैसे मैंने बोला आधी कटोरी में हम इसे लेंगे। सो फ्रेंड्स, सोयाबीन का जब हम आटा लेंगे, बिकॉज सोयाबीन इतना महीन नहीं पिसता है, तो हम और आटे को नहीं चालेंगे, लेकिन सोयाबीन के आटे को हम जरूर चालेंगे। क्योंकि ये जो है इतना महीन नहीं पिसता है। आप चाहें तो अगेन इसको पीस सकते हैं, या फिर आप इसे गाय को डाल सकते हैं। इसके बाद इस आटे को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ओट्स।
तो ओट्स का मैं पूरा पैकेट डालने वाली हूँ। ये तो ये जो है हमारा ओट्स का आटा भी रेडी है, जो मतलब बहुत ही आसानी से पिस जाता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गेहूं। ये हमारा जो गेहूं है वो भी पिस चुका है, इसको हमको नहीं चालना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है रागी, जो आपको 2 से 2.5 कटोरी लेना है। तो अब मैं इसे भी पीसती हूँ। ये हमारा जो है रागी पिस के भी रेडी है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ये आप लेयरिंग देख सकते हैं, सारी लेयरिंग ऐसी बनी हुई है। और अलसी के बीज ऑलरेडी मैंने पहले इसमें डाल दिए थे। और इसमें मैं ये वाला जो बड़ा चम्मच होता है, ये मैं 4 लगभग इसमें सत्तू ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, आप इसमें आटा, ऐसा नहीं है कि आप आटा स्किप कर दीजिएगा। अगर आटा आप स्किप करेंगे तो आपका जो आटा है वो बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो रोटियां नहीं बनेंगी। इसीलिए आटा जो है वो बाइंड करना, आटा जो डालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गेहूं आपको पीसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेहूं नहीं मिल रहा है तो आप घर का भी आटा ले सकते हैं, वरना गेहूं लेंगे तो वो ज़्यादा फाइबरस होगा क्योंकि हम उसे चाल नहीं रहे हैं। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमारा मल्टीग्रेन आटा है वो बनके रेडी है। और आप रोटियां इसकी ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज जो मुझसे डाइट प्लान लेते हैं या जो मेरे क्लाइंट हैं, जब वो मल्टीग्रेन रोटी की पूछते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करूं, तो मैं पर्टिकुलर एक को बताने से अच्छा है कि जब अब ये मैंने वीडियो रेडी कर लिया है तो मैं सबको वीडियो सेंड कर दूंगी इसीलिए। और ये आटा मैं हमेशा अपने घर में बना के रखती हूं, और हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी रोटियां भी बना के दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं इसकी रोटियां बना के नहीं दिखा रही हूं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप नॉर्मल रोटी से आप इसको रिप्लेस करेंगे तो वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो दुगना हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि आप फाइबरस खा रहे हैं तो पेट भी आपका उतनी ही तेज़ी से अंदर जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखा कि इस मल्टीग्रेन आटा को अगर आप लेंगे, और मैंने आई थिंक क्वांटिटी भी आपको बता दी है कि आपको कितनी लेनी है, तो इस तरह से अगर आप इस मल्टीग्रेन आटा को अपनी रेगुलर रोटी से रिप्लेस करेंगे तो आप अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में, अपने वेट में जरूर इफेक्ट देखेंगे, और इसका इफेक्ट आपको 15 से 20 दिन में ही विजिबल हो जाएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।